दिस इज द बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा, क्योंकि इस बीच पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। और अगर आप भी गोवा के, या फिर ये कहें पूरे नॉर्थ गोवा के, या फिर अरंबुल बीच या साउथ गोवा कहीं के भी आप विदाउट एडिटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। विदाउट एडिटेड वीडियो देखने से क्या होगा, आपको अच्छा बीच, गंदा बीच, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आपके लिए कौन सा बीच अच्छा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको विदाउट एडिटेड वीडियो दिखाऊंगा, और ये जो सेक्स है ना, इसमें कैसे विदेशी पर्यटक रहते हैं। और आप अगर विदेशी पर्यटक देखना चाहते हैं तो इस बीच पर ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, और एक तरफ से, एक लाइन से आपको दिखाना शुरू करता हूं, और धीरे धीरे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताता चलूँगा। नॉर्थ गोवा के फेमस बीचों की बात की जाए, या फिर पूरे गोवा के फेमस बीच की बात की जाए, तो रशियन बीच कहा जाने वाला यही है, और इसका ओरिजिनल नाम है अरंबोल बीच। रशियन बीच आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रेयर रशियन बीच गोवा का अरंबोल बीच ही है। मांड्रम बीच इससे जस्ट आगे है, वो भी इसी बीच से कनेक्टेड है, कुछ लोग उसे भी रशियन बीच बोलते हैं। मोरजिम बीच, आश्विम बीच, ये भी बीच नॉर्थ गोवा में है, और कुछ लोग उन्हें भी बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, रशियन केवल अरंबुल बीच को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और ये आज से नहीं, जब से रशियन इंडिया आना शुरू हुए हैं तब से ये बीच रशियन लोगों का पसंदीदा बीच है। आप देखो, मैं यहाँ पे बैठ के इस भाई से बात करता हूँ जो कि कजाकिस्तान से है। कजाकिस्तान, कजाक, आई हैव सम रशियन फ्रेंड्स, दे ट्राइड बट दे डोंट लाइक। लेट्स सी, यू आर फर्स्ट टाइम ट्राइंग? फर्स्ट टाइम? जी हाँ। इट्स गुड? Yeah, I know, I know. It's not spicy. It's another flavor. More spicy. This one is not spicy. This one is not spicy. But you like the taste? Taste good? Yeah. ओके वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, एंड बेस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।